आपके घड़ी के बज चुके हैं 7 PM, सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में गाइज आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको पता हो आपकी रीजनिंग की क्लासेस गाइज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। पिछले क्लासेस में आप प्रीवियस क्लासेस में 3-4 सेशंस गाइज पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको प्रूव कराया जा चुका है कि व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेस्ट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ टेस्ट के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा चुके हैं गाइज। यहाँ पे बने रहेंगे नाउ, और भी आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व होते रहेंगे। चलिए सेशंस को थम्सअप कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे गाइज, जिससे कि और भी फ्री ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स मतलब कि आ करके इस वीडियो को देख सकें और नाउ शेयर कर सकें। साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स अपने इस चैनल पे अपनी इस फैमिली पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर देंगे, जिससे रोज़ाना उन्हें रेगुलर टाइम अपडेट मिलता रहेगा। गाइज अगर आप नए हो, आपको ना पता हो क्या करना है, कैसे आपको पढ़ना है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटली लिंक दी गई है आपके लाइफ टाइम के, आपके टोटली सिलेबस के, आपकी क्विज देने के टाइम, सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया है, जा करके अभी के भी ज्वाइन कर लीजिए। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए गाइज जितने भी गाइज जुड़ चुके हो, वेल डन। चलिए स्टार्ट किया जाए, लाइव चैट करते रहेंगे क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे लाइव चैट पढ़ा जाता है, देखा जाता है। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एनी टाइम हमें आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे क्या होता है, एट फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि निर्देश, सबसे पहले है 44 से लेकर के 57 तक यहाँ पे क्वेश्चन गाइज सॉल्व करा रहे हैं, तो उसका फैक्ट क्या कहता है। नौ, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान हैं। कोई भी कंडीशंस होती है, जैसे कि प्रीवियस में पढ़े थे और कुछ गाइज कह रहे थे मैम सेशंस बहुत इजी लग रहा है कल के सेशंस में, गाइज ऐसे ही अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो ईजी तो लगेगा ही लगेगा। आप उस अक्षर को छांटिए जो अन्य से भिन्न है, जो कि डिफरेंसेस हैं। कैसे होंगे कि फर्स्ट कंडीशन इट्स मीन्स आपके 44 जो क्वेश्चंस आपका गाइस दिया गया है ये है कि YWUS एंड सेकंड है ZXYU या फिर GECA BZXV। चलिए गाइस आंसर करने की कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जितने भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हो YV जितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये टर्म देखा जाता है तो Y के बाद जस्ट W के बाद Y और यस के बाद आपका यानी कि यू प्रोग्रेस में कंडीशंस कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि आपका जो कंडीशंस है अगर आप राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो आपका डिक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो इंक्रीज कंडीशंस दिख रहा है 44 जी। बिल्कुल 44 में क्योंकि W के बाद अगर लिखा जाता है WY लिखा गया है, WXY दोनों में -2 का डिफरेंसेस है। वैसे ही गाइज यस और यू में देखें STU -2 का डिफरेंसेस है कि नहीं है, बट यहाँ पे वही चीज़ें जेड से बी में ये जस्ट अपोजिट होती हैं, यक्स से वी में ये सारी चीज़ें, वैसे ही GACA में होता है बट ZXYV में ऐसी कंडीशंस नहीं होगी जी। बिल्कुल ये सारी कंडीशंस आपके नहीं होंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि ये कंडीशंस अलग है, क्योंकि जेड से यक्स में जब आप देखते हो देख रहे हो बिल्कुल -2 की मार्किंग हो रही है और यहाँ पे यक्स से वाई -1 और वी से वाई आपके -3 हो रहे हैं, सभी यही गाइस बता रहे हैं, अच्छी बात है। चला जाए फिर आगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट्स सही हो जाएंगे। वही आपका निर्देश सेकंड में भी यूज होता है गाइस, ये हो गया आपका 45 का क्या कंडीशंस होता है, 45 भी आप देख लेंगे। चलिए धीरे धीरे अब आपको फैक्ट पता हो चुका है कैसे आपको नाउ यूज करना है। सो 44 तो आपका क्लियर हो चुका, अब यहाँ पे बात किया जाएगा आपके 45 का। 45 में गाइज होता है कि MKGA and AP RPLF दिया गया है, VT PJ and PNID चारों ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं, इन चारों में से 3 समान है किसी भी कंडीशन से, ऐसा आपको नहीं देखना, और 1 डिफरेंसेस है। नाउ उसी डिफरेंट को उस जो पार्टी में उसके विरोधी पार्टी हैं उनको जस्ट बाहर निकालना है। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं 45 में कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग,
देखते हैं कितने गाइस यही आंसर करते हैं। यहाँ पे 45 में जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं सीधी सी बात है, क्योंकि हर एक में यम के प्लेस में माइनस टू, के जे के प्लेस में माइनस फोर एंड जी ए के प्लेस में आपका माइनस सिक्स, यही फार्मूला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे यूज होगा जी, बिल्कुल माइनस टू माइनस फोर एंड माइनस सिक्स यूज हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो होगा ये माइनस टू माइनस सेवन माइनस सिक्स हो रहे हैं ना, तो ये कंडीशंस आपके यूज होते हैं कि माइनस टू माइनस सिक्स एंड माइनस फाइव, तो इनसे अलग है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स से, इसलिए ये कंडीशंस आपका अलग होगा। कहने का मतलब पीएन आईडी अलग हो जाएगा, डिफरेंसेस हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपके, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तो सिर्फ उसके फैक्ट निकाल करके आपको गाइस बताने होंगे। क्लियर हो गए, कहने का मतलब है एम एन ओ पी एन ओ पी माइनस टू, फिर आई के बाद अगर आपका एन तो माइनस सेवन, डी के बाद आई आप पढ़ रहे हो तो माइनस फाइव, कुछ इस तरह से निकल रहा है। जबकि और सब पे माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स की मार्किंग की गई है, इसलिए ये स्टेप जो है वो डिफरेंसेस हो जाएंगे। आई गेस समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी मतलब ये कि आप लोग कंडीशन से नहीं अपनाएंगे, अगर सेशन देख रहे हैं बढ़िया लग रहा है समझ में आ रहा है सो इसे शेयर भी करते चलेंगे फ्री, आप इस कोर्सेज को और भी स्टूडेंट्स देखते रहें और एक थम्सअप तो जरूर करके जाएंगे। नाउ एंड तक आप लास्ट पोजीशंस बने रहेंगे तो आपको नॉलेज जो है जरूर अचीव होगी। अगर आप स्किप कर जाते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में, हो सकता है कि जो पॉइंट्स आप स्किप करें उसी में से आपसे पुटअप कर लिया जाए। सो यहाँ पे 46 आपके क्वेश्चंस गाइस होते हैं, 46 क्या है आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, 4 के 4 ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं, देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे सही जवाब देते हैं। बिल्कुल ऑप्शंस मतलब कि आपके दिख रहे हैं और आप यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल चलिए, सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 46 में वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, होंगे कैसे ऑप्शन बी, तुक्का लगाने की आप लोग यार कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सब में आप अगर देखा जाए तो प्लस फाइव एंड प्लस फाइव का डिफरेंसेस है आपके फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में। कहने का मतलब है डी के बाद जस्ट आई, डी ई एफ जी एच आई पांचवें नंबर पे आ रहा है, वैसे ही आई के बाद जी एच आई जे के एल एम एन, यन भी पांचवें पे, यन के बाद जस्ट आपका यम यन ओ पी क्यू आर एस, फाइव फाइव का अंतराल है कि नहीं वो भी आपकी इंक्रीजिंग एडिंग प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंसेस अब ये देख के बताते हैं। चलिए 46 क्या डिफरेंसेस है आपके, यहाँ पे गाइज ये डिफरेंसेस है कि प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस फोर की सीरीज बन रही है, जबकि ये सीरीज एकदम विरोधी पक्ष में है, इन तीनों से डिफरेंट में है, इनकी पार्टी जस्ट अलग, इसलिए इनको चूज से मतलब कि अलग कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको चूज करना है कि फोर में से तीन इक्वल है उनको उसी पार्टी में रहने दीजिए, जो एक अलग बंदा है उसको निकाल फेंकना है, अलग करना है। तो ये जो है इनकी सीरीज कुछ इस तरह से बनी। 46 सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, चला जाए आगे, तो ये आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आप आगे देखते हैं, ये कंडीशंस आपकी 46 की हो गई है, यहीं पे गाइस 47 होता है, 47 के जो कि आपके ऑप्शंस ए सी ई एफ एच जे के एल एम एस यू डब्ल्यू एफ की तीन तीन अक्षर दिए गए हैं, फोर्थ हो आपके चलिए कैंसिल हो चुके। 47 में देखते हैं कितने गाइस यही आंसर करते हैं, बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि के एल एम में अगर आप देखें तो प्लस वन प्लस वन प्लस वन की सीरीज बन रही है, जबकि फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ में कैसे सीरीज बन रही है आपके प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ये तीनों ऑप्शंस इन दोनों इनमें ऐसा बन रहा है, क्योंकि ए के बाद बी तब सी आता है, सी के बाद डी तब ई आता है, वैसे ही एफ जी एच आई जे दूसरे दूसरे सीरीज पे एस टी यू डब्ल्यू एक्स, मतलब कि इस कंडीशन से आ रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस के एल एम की सीरीज होती है वो डिफरेंसेस हैं, ये ध्यान दीजिएगा वो सीरीज जो है वो डिफरेंसेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विदाउट एनी हेजिटेशंस ऑप्शन सी आप जो है करेक्ट आंसर कर देंगे। यहीं पे गाइज आपका 48 होता है, 48 क्वेश्चंस क्या है, ए जे के एल आई बी सी डी या फिर ओ आर क्यू पी यू एफ जी एच। चलिए गाइज फोर में से आपको नाउ एक फर्स्ट चूज करना है, देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं।
बिल्कुल आंसर करने की आप लोग कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइज यहाँ पे सही कर रहे हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब में प्लस वन प्लस वन प्लस वन की सीरीज बन रही है, बट इसमें क्या है माइनस वन की सीरीज बन रही है। और जब सीरीज आपके डिफरेंसेस हुए तो वही फैक्ट जो है वो ऑप्शंस में से उसको चूज करके अलग कर दिया जाता है। तो आपके ओ आर क्यू पी जो है ओ पी क्यू आर इस तरह से आ रहा है 48, बिल्कुल 48 ही आपका ये स्टार्ट है कि मतलब कि किस ऑप्शंस में आपके चूज हो रहे हैं। सिर्फ तो सिर्फ दो दो सीरीज बन रही है, आपकी सीरीज कैसी है प्लस वन में अगर देखा जाता है तो इस तरह से बनती है। ये तीनों को तो आप छोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं। एक सेकंड देखिए कि प्लस वन की सीरीज किस तरह से बनती है आपके। अगर प्लस वन की सीरीज यही तो 48 में पूछा गया था कि और कुछ, सभी गाइस कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, यही सारी चीज है कि आपके ओ आर एंड क्यू पी में ही बताने हैं, ओ आर एंड क्यू पी में बताते हैं, तो आर और क्यू के बीच में निकालना है, समझ रहे हो, आर और क्यू के बीच में निकालें, फिर क्यू से पी के बीच में निकालेंगे, यम यन ओ पी क्यू आर, तो क्यू के बाद जस्ट आर आ रहा है इसलिए माइनस वन की सीरीज हुई, क्योंकि क्यू बाद में है आर पहले है ना। तो यहाँ पे लेकिन जस्ट अपोजिट की कंडीशंस दे रहा, और वैसे ही सेम पोजीशंस पी क्यू होता है लेकिन यहाँ पे क्यू पी दिया गया है इसलिए यहाँ भी माइनस वन की सीरीज हो रही है। ऐसे ही फैक्ट्स आपके होते हैं कि ये जो है ऑप्शंस आपका सी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहीं पे चलिए गाइज नेक्स्ट बताया जाता है, मतलब कि 48 हो चुका है, 49 की बात किया जाएगा। गाइज 49 में आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, कुछ इस तरह से 49 के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 49 के क्वेश्चंस टेक स्क्रीनशॉट एट फर्स्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहरहाल आपको पीडीएफ नोट्स फ्री पाना है तो टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है उस पर क्विज कराए जाते हैं, टेलीग्राम लिंक दिया गया है उस पर फ्री पीडीएफ नोट्स से टोटल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, कब कब आपके क्लासेस चलने होते हैं तो डेली है अपडेट आपको मिलता रहता है। गाइज यहाँ पे 49 जो क्वेश्चंस होता है, 49 ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं कि डीईबी आरटीपी एचआईएफ एनओएल, अगर आप एक सीरीज निकालना गाइज यहाँ पे जान जाएंगे तो सीरीज ही लेवल है और कुछ नहीं है, बहुत इजी है और सीरीज लेवल हर बार पूछा जाता, पूछा जरूर जाएगा सीरीज लेवल मतलब ये पूछा जरूर जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट यार चल रहा है, कम से कम इतना तो माइंड लगाइए, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट मतलब है वर्गीकरण परीक्षण, वर्गीकरण का परीक्षण होता है, उसमें से फोर्थ में से तीन जो होते हैं सेम रखा जाता है, जो एक होता है उसको नाउ अलग कर दिया जाता है। 49 आंसर देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं, बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ही बता रहे हो ना 49, बिल्कुल 49 ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सब में फर्स्ट और सेकेंड आपका थर्ड एंड फोर्थ में प्लस वन डी ई, उसके बाद बी ई, बी के बाद जस्ट माइनस वन, डी के बाद ई एंड बी के बाद ई बन बी सी डी ई माइनस थ्री की कंडीशंस बनती है। तो प्लस वन माइनस थ्री की कंडीशंस बन रही है कि नहीं, सब में ये फैक्ट बन रहा है, प्लस वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री की सीरीज, लेकिन आरटीपी में कैसा बनता है अब तो समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे जो है प्लस टू माइनस फोर की सीरीज बन रही है, तो अब तो सामने है आपके फैक्ट, अब तो चूज हो गया ना कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसे ही गाइज बने रहेंगे तो यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा आप लोगों को, टेल बढ़िया से आप लास्ट में पढ़ाई भी करते रहिए, और जो भी गाइज स्किप करेंगे उन्हें कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बात है, नील होंगे बस और कुछ नहीं होगा। टेलीग्राम पे देखिए ऑनलाइन आपको रहने बैठने से कि मैम हम तो ऑनलाइन रहते हैं दिन भर टेलीग्राम, ऐसा कुछ नहीं होता, क्लास से जुड़ने की ज़रूरत होती है। कुछ गाइज होते हैं कि पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, हाँ जी बिल्कुल पीडीएफ देखते हो आप लोग, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि पीडीएफ सेम प्रॉपरली आप देख सकते हो गाइज, लेकिन यहाँ पे जो क्लासरूम में चलता है, जो क्लासेस आपके पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आपकी देखी जाती है, समझ रहे हो, वो आपकी कंडीशंस होती हैं। चलिए बहरहाल 50 दिया गया है, बाकी फोर ऑप्शंस आपके दिए जा चुके हैं, देख लीजिए फोर ऑप्शंस, 50 में कितने गाइस सही आंसर कर रहे हैं, 50 स्टार्ट है, आंसर आप लोग करते रहेंगे। चला जाए फिर,
कौन सी कंडीशंस? 50 आप लोग बता रहे हो ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 50 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होंगी कैसे? सब सहमत तो है ना, मतलब कि इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ पे गाइस ये बात किया जाए तो RGTF MLOK CTES, यही तो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस बाकी नहीं दिए गए हैं। तो अगर RT ये देखा जाता है, MO देखा जाता है, CE, यही सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ तो सिर्फ इनके मध्य में मतलब एक एक अक्षर बताते हैं, एक एक अक्षर है। कैसे? इन दोनों के बीच में अगर देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन VZ के बीच में देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कैसे? अभी तो आप सोचेंगे नहीं मैम डी तो दिया गया है, लेकिन आप लेटर से अगर देखेंगे तो आर यश तब टी आता है, यम के बाद यम एल एन ओ इस तरह से चलता है, यम एन। तो लेकिन ये कंडीशंस आपके सी के बाद डी आता है तब ई आता है, एक एक अक्षर है, लेकिन क्या वी के बाद आपका जेड आएगा, वो भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो भी वी में? ये गलत है, ये मेथड ऑप्शन डी गलत होगा, इसलिए इसे ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 3 अक्षर आ रहे हैं, और जबकि ऐसा है नहीं, ये आपके अलग हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज आपके 51 होते हैं, 51 गाइज दिया गया है कि यू जेड डी जी आई जे ओ एक्स वी एक्स सेकेंड, एंड थर्ड दिया गया है कि आर डब्ल्यू ए सी ई, एंड नेक्स्ट गाइज दिया गया है कि एफ के ओ आर टी। चलिए गाइस इसमें से देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 51 बाकी सीरीज ही है और कुछ नहीं है, सीरीज निकालना है और देखते हैं यहाँ पे कितने गाइस सही। बेटर की कंडीशंस मतलब ये है कि धीरे धीरे आप लास्ट पोजीशंस अचीव कर रहे हो, लेकिन कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहे हो। सो 7 PM पे आपके ऑलरेडी जो है आप रीजनिंग की क्लासेस चलाई जाती हैं, जल्दी ही बीच में मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देंगे कि बीच बीच में आपके मैथमेटिक्स भी चलते रहें, जिससे कि ये टोटली आपको पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, फंसेंगे आपके मैथ्स के। बाकी 20 ले लेते हैं तो बचता कितना है? 30 आपके रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, एंड 15 से लगभग 20 ही मान के चलिए तो आपके मैथ्स भी पूछे जाते हैं। 2021 से आपके मैथमेटिक्स भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है गाइज कि अगर आप हार्ड साइड से हो भैया नील रख दीजिए मैथ बगल में, कुछ नहीं करना है। आप साइंस लेवल हो, आर्ट लेवल हो, आप कॉमर्स लिए हो, कुछ भी किसी भी साइड से हैं आप, कोनो भी साइड से रहिए, लेकिन आपको मैथ्स का एग्ज़ाम रीजनिंग में देना है तो देना है। हर एक स्टूडेंट्स को 150 यानी कि 150 आपके क्वेश्चंस आने हैं, तो प्रॉपरली आने हैं। जीके जीएस 50, रीजनिंग मैथ्स 50, टोटली जो हिंदी लिए हैं आइदर या फिर इंग्लिश ऑप्शन होता है उनको भी 50 लेना। ऐसा नहीं है कि साइंस साइड से हैं तो हिंदी नहीं ले सकते, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश। ये है कि अगर आप हिंदी लिए हो तो अपने इस चैनल पे ऑलरेडी हम हिंदी पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं सिलेबस वाइज, डोंट माइंड, आपको कहीं और जाना नहीं है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। और बाकी सब्जेक्ट एबिलिटी होता है 50 क्वेश्चन, इट्स मीन्स 100 मार्क्स के, वो आपका आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप साइंस साइड से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो टोटली पूछेगा। ये नहीं है कि आप पीसीबी है तो पीसीएम है तो पीसीबी है तो पीसीएम, इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हर एक स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। और जो आर्ट साइड्स के हैं उनको ऑलरेडी क्या आएगा, उनका कन्फर्म हो चुका है आपका मतलब कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कॉमर्स साइड कला वर्ग है सब कुछ। तो हर एक स्टूडेंट्स का 50 क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन 150 क्वेश्चंस इट्स मींस 300 क्वेश्चन आपके मार्क्स जो होंगे वो सेम प्रॉपरली होंगे। इसलिए बच्चा मेहनत करते चलिए आप लोग, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लास्ट फरवरी तक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा सिलेबस गाइस। सिर्फ तो सिर्फ आपके पास मार्च टाइम बचे हैं, जो लगे सो भगे, फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च में रिवीजन क्लासेस वो भी सरसरी निगाह में फटाफट से कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट तैयार कराए जाएंगे। बट हो सकता है कि बीच में सिलेबस और भी पढ़ा दिया जाए, तो इसलिए अभी से पढ़ाई करते चलिए। और अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम होगा, 15 फरवरी तक लेटेस्ट आपका फॉर्म भी आ जाएगा। सो 51 बहरहाल स्टार्ट है, देखते हैं 51 में कितने गाइस सही आंसर कर रहे हो।
सही आंसर हो रहा है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, बिल्कुल है ना, क्योंकि हर एक सीरीज जो है प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू की बन रही है, हर एक सीरीज फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, लेकिन थर्ड कैसे सीरीज बन रही है, थर्ड पता है, थर्ड कैसे सीरीज बन रही है, आपकी जो थर्ड की सीरीज है प्लस फाइव प्लस फोर प्लस टू एंड प्लस टू की बन रही है, तो हुई ना अलग की हुई ना कि नहीं हुई, आर के बाद मतलब डब्ल्यू, तो आपका प्लस फाइव का अंतर, डब्ल्यू के बाद जस्ट ए का आपका दिख रहा है तो प्लस फोर में, और ए के बाद आपका सी में दिखा तो प्लस टू, एंड सी के बाद आपका ई दिखा तो वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज में आपके प्लस टू के डिफरेंसेस हैं, बट और सभी में आपके कंटिन्यू एक जो है कम होते चले जा रहे हैं, प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर कर लिया गया, आगे चला जाए। अब चलिए गाइस यहीं पे 52 बात किया जाता है, 52 क्वेश्चंस क्या होते हैं, सो धीरे धीरे इन्हें भैया आगे कर लीजिए 52, चलिए 52 आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, आई से सी डी फर्स्ट कंडीशन दी गई है, डब्ल्यू आई टी एस एंड क्यू आर के एल, फिर से आपके पी क्यू एम एन दिए गए हैं। चलिए गाइस देखते हैं 52 में कितने गाइस सही आंसर करते हैं, चलिए सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एक सेकंड 52 है ना, 52 तो ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट सही हो जाएंगे, होंगे कैसे, मतलब कि ऑप्शन बी होगा कैसे ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी पहले दी हुई है तो आप तो कंफर्म है ना, समझ रहे हो। यहां पे क्या कह रहा है कि और सभी में बाकी स्टार्टिंग और प्रारंभिक, यानी कि स्टार्ट में और लास्ट में, स्टार्ट में और लास्ट में वर्णमाला के अक्षर दिए गए हैं कुछ इस तरह से सेम प्रॉपरली में, कि दिए गए हैं कि नहीं ये तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि लगातार वर्णमाला के अक्षर दिए गए, लेकिन डब्ल्यू वाई टी एस में ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं है जो कि लगातार आपका दिख रहा है, ऐसा कैसे आप जान रहे हैं, ये देखिए डी के बाद जस्ट आई, ए ए से अगर आप टेस्ट सीरीज पढ़ते हो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो यल के बाद आपका क्यू आया, वैसे ही यम एन ओ पी ऐसे आता है, वैसे ही डब्ल्यू यस टी यू डब्ल्यू देखा जाए तो, लेकिन इसमें जो है ये डिफरेंसेस है, बी ऑप्शंस आपका लगातार ये कंटिन्यू में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तीनों में से डिफरेंसेस होंगे इसलिए ऑप्शन बी को अलग कर दिया गया है। ये पे गाइस 53 होता है, 52 क्लियर है सबको, 52 में कोई दिक्कत नहीं है, 53 होता है कि ए ई एफ जे एंड के ओ पी टी दिया गया है, साथ साथ यू वाई जेड जे एंड ई एच आई एल दिया गया है। चलिए गाइस आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे, और देखा जाता है कि मतलब हर एक स्टूडेंट्स का, बिल्कुल हर एक स्टूडेंट्स का लाइव चैट यहाँ पे देखा जा रहा है, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप इन्फॉर्म कर देंगे, पूछ लेंगे कोई भी प्रॉब्लम्स आपको होती है, तो 53 ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कैसा होता है ऑप्शन कैसे हैं कि सीरीज कैसी है, टेक्स्ट सब में प्लस फोर प्लस वन प्लस फोर की सीरीज बन रही है, कैसे ए के बाद अगर आप वाई देख रहे हैं तो मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग आप देख रहे हो, एक सेकंड ये तो बहरहाल 54 का है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन ए के बाद ई देख रहे हैं तो ए के बाद बी सी डी ई चौथे नंबर पे, फिर ई के बाद यफ प्लस वन की सीरीज, यफ के बाद आई जे ई एफ जी एच आई जे हुआ कि नहीं चौथे नंबर पे, तो इसके प्लस फोर प्लस वन प्लस फोर की सीरीज बन रही है, लेकिन ई एच आई एल में ऐसी सीरीज नहीं बन रही है, एक्सेप्ट हुआ टोटल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सभी को कंफर्म हो गया कि यहाँ पे प्लस थ्री प्लस वन प्लस थ्री की सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है, हर में प्लस फोर प्लस वन प्लस थ्री की कंडीशंस बन रही है गाइस, यहाँ पे प्लस थ्री प्लस वन प्लस थ्री की कंडीशंस बन रही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो है ये सबसे अलग है इसलिए इसे सही माना गया है। यहीं पे गाइस आपका नेक्स्ट होता है 54 दिया गया है कि ए वाई बी जेड फर्स्ट कंडीशन है, अच्छा लग रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताना चाहेंगे कि अगर हर वो एक स्टूडेंट्स के मन में होता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगर आपके समझ से परे हुआ
सीधी सी बात, समझ से परे हुआ, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दिया जाता है, समझ में नहीं आया छोड़ दिया जाता है। तो क्या आपको समझ में आएगा? हम कह रहे हैं अगर आप स्किप कर जाते हो तो 0/0, 0/0, निल बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आने वाला है, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर आप वहीं पे ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, नहीं तन मन धन से आएगा कैसे, नहीं पढ़ोगे तो आएगा कैसे, नहीं नहीं 100% का 100%, आप 60% बांध के चलिए, तो इस 0 से सही है 60% कि नहीं? बिल्कुल सही है। एक बार आप कोशिश किए 60% की, आप 40% अचीव कर पाए, दूसरी बार मेहनत कीजिए, तीसरी बार, लेकिन वो अचीव हो जाएगा। पहली बार आपका 40 हुआ तो तीसरी बार आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, मतलब कि 100 से भी एकदम इक्वल, कहीं भी बैठे रहो बिंदास एकदम तैयार रहेगा आपका, मतलब यही होता है ना, कहते नहीं एकदम ये सारी चीज़ें 101% रटी हुई हैं, तैयार है, मतलब कि एकदम वो चीज़ क्या है, क्लियर है, क्लियरिटी, वही कहने का मतलब है। इसलिए सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, समझिए सब आएगा समझ में। एक बार हार्ड लगेगा, मानते हैं टेस्ट सीरीज आपको हार्ड लगेगी, लेकिन एक बार जब समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वर्णमाला पे ध्यान देंगे, फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला जो होता है इजोटी करके, इजोटी एक फार्मूला है, ई आपके 5 में आते हैं, 10 पे आपका जे आता है, ओ आपका 15, टी आपका 20 एंड वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट रख लेंगे, एक फार्मूला है इजोटी, सो इजोटी से आपको कंफर्म हो सकता है टोटली वर्डमाला में 27 हो जाएंगे, उनमें से सब्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। चलिए गाइस, अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस 54 आपको ऑप्शंस देने हैं, देखते हैं कितने गाइस यही आंसर कर रहे हो। 53 तो हो चुका है, 53 में कंफर्म है ना, +3 +1 +3 की कंडीशंस बन रहे थे 54 में, देखते हैं कितने गाइस यही आंसर करते हैं। सो यहाँ पे जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों है 54 जी? बिल्कुल, AYBZ सब एक दूसरे से विपरीतार्थक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अगर आप देखें गाइस तो ए के बाद बी आ रहा है, वाई के बाद जेड +1, बी के बाद सी, एक्स के बाद वाई, डी के बाद ई, वी के बाद आपका डब्लू, लेकिन यहाँ पे यम के बाद ओ, पी के बाद यन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यम के बाद यन होता है, पी के बाद क्यू, तो ऐसी कंडीशंस है ही नहीं, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब तो गाइस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व होते हैं, मतलब कि यहाँ पे कितने सारे टोटली क्वेश्चंस हैं, कहाँ तक ये कहा गया था, एक सेकंड, ये आपको सॉल्व करना था 57 तक ही ना, है ना, 57 तक सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। चलिए गाइस, सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। अब नाउ 55 क्वेश्चन से देख लिया जाता है, 55 आपके क्वेश्चंस क्या होंगे कि ALIDJ है भैया, DJ बजाओ और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, क्या दिक्कत है। AC ZX V एंड नेक्स्ट दिया FASJE एंड नेक्स्ट दिया गया गाइस कि NDWVS। चलिए गाइस आंसर देने की आप लोग कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल 55, चलिए तो यहाँ पे वो तो सीरीज बहरहाल हुई नहीं थी, इसलिए उसे चेंज कर दिया गया था, है कि नहीं, उसमें चेंज मतलब कि सीरीज हुई नहीं थी आपके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 55 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होंगे कैसे, ये तो कंफर्म है आप सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कह क्या रहा है, बाकी सब में स्वर हैं, वावेल हैं, लेकिन यहाँ पे वावेल नहीं है, NDWVS इन सभी में से कोई भी वावेल नहीं है, बट और सभी में वावेल है, ए है, ए है, ए है, तो आई है, ई है, बाकी इसमें भी एक ही है, लेकिन है तो, और इसमें एक भी वावेल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन रीजन फैक्ट इंडिकेट करता है कि सभी में वावेल है लेकिन इसमें वावेल नहीं दिए गए हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं, 56 OLEVCXIS इसमें देखना सबसे इजी लगता है, यही तो दिया गया है, क्या बात है 56। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे गाइस आपका जो IS है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, होगा कैसे कि IS बाकी सब में सब एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं,
ओ के बाद यल, अगर ओ स्टार्टिंग में, अभी अभी फार्मूला हम बताया ना, इजोटी इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, तो ओ का मतलब है 15, 15 है, तो ये 15 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे। और यल क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आपका 12 नंबर पे आता है, ये है आपके 12 नंबर पे। और यहाँ से जस्ट वो देखा जाता है 15, मतलब कि सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। वैसे ही कंडीशंस में ई और वी, कितना कितना अंतराल पे दोनों के दोनों फैक्ट आपके दिख रहे हैं। वैसे ही सी और यक्स, यक्स वाई जेड तीसरे नंबर पे, लास्ट कंडीशन से विपरीत करने से। वैसे ही जब स्टार्टिंग से देखते हैं तो ए बी सी तीसरे नंबर पे सी, तो सी के बाद जस्ट आपका यक्ष दिख रहा है। लेकिन आई और यश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि एक दूसरे के विपरीतार्थक हो सकें, इसलिए ये कंडीशंस क्या हैं, सभी से अलग होंगे। आई गेस आपको समझ में आ रहा है गाइज, यहाँ पे आईएस कर लेंगे। चलिए 57 क्या होता है गाइज, लास्ट क्वेश्चंस है थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट और, 2 मिनट ब्रेक के बाद आपको मिलना क्या है, सिर्फ सोना ही सोना है। बहरहाल नाइट शिफ्ट में जो क्विज होते थे आपके 1 PM एंड 2 PM कर दिए जा चुके हैं, QW YXY PV AG। चलिए गाइज 57 आंसर देने की कोशिश करते रहते हैं, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 57 जितने भी साथी पीवी बता रहे हैं ना, वो सभी साथी क्रिप्टो पीवी पीवी कितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे। बता रहे हैं पीवी, अगर यहाँ पे गाइस ये बताया जाए कि QWSYAG ये टोटल क्या है, विषम इंडिकेट करते हैं, विषम संख्या में विषम, जबकि पीवी क्या है, सम इंडिकेट करता है। कैसे, अगर पी पढ़ता है तो सम संख्या पे पढ़ती है, सम संख्या पी पे पढ़ती है, वैसे ही वी पढ़ती है। जैसे ए जी का अगर आप लें तो ए का मतलब है आपका 1 और जी का मतलब आपका इजोटी, ऐसा फार्मूला जे आता है ए बी सी डी ई एफ जी, तो 7 नंबर पे, तो आपका विषम संख्या ए भी है जी भी है, समझ रहे हो। ऐसे ही यस वाई क्यू डब्ल्यू सब कुछ भी सम है, लेकिन पी वी जो है वो सम संख्या पे पड़ती है, इसलिए ये डिफरेंसेस, ये रीजन बन जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो सेशंस आज का बढ़िया लगा, नेक्स्ट सेशंस में आगे और भी से, कल आपको 7 PM पे आ जाना है, ऐसे ही आपका लास्ट जो है क्लासिफिकेशन टेस्ट बताया जाएगा, एक और सेशन होगा, आफ्टर दैट आपका सेकेंड चैप्टर देखते हैं क्या स्टार्ट किया जाएगा, नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी को कुछ पूछना नहीं, कुछ पूछना हो तो अभी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए, आगे चला जाए। फिर आगे क्या, लास्ट है पोजीशंस, फिर चलते हैं आज के सेशंस में, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, नाउ आगे बढ़ते रहिए।